अगर आपको घुटने का आर्थराइटिस है और आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी एडवाइस हो चुकी है और आप इस डर से घर में बैठे हैं कि किसी ने आपको कहा था कि अपना घुटना छिड़वा मत लेना, नहीं तो जैसा चल रहे हो उससे भी चले जाओगे, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सच नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सर्जरी के एकदम बाद ये पता होता है कि मेरा टेढ़ा घुटना या तिरछा घुटना अब सीधा हो चुका है, जिससे कि उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। नंबर दो, ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद पेशेंट्स को खड़ा करके चला दिया जाता है और बहुत सारे पेशेंट आराम से 15 से 20 स्टेप्स ले पाते हैं ऑपरेशन वाले दिन ही। तो कोई सपोर्ट भी जरूरी नहीं होती उन पेशेंट्स के लिए, खास तौर पे जो कि सर्जरी से पहले एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और नंबर तीन, जैसे जैसे आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, आपकी चलने की स्पीड बढ़ती जाती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए जो इस भ्रम के अंदर अभी भी जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।